आज हम हैप्पीनेस उत्सव में डे फोर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है। डे फोर है हमारा आइडेंटिफाई इमोशंस, भावनाओं का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें आपको अपनी भावनाओं के बारे में बताना है। जैसे कुछ विचार ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, उन्हें हम सहज भाव कहते हैं, और कुछ विचार ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, वो होते हैं असहज भाव, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से विचार हैं जो आपको अच्छे लगते हैं और ऐसे कौन कौन से विचार हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है, बताइए। जब हमारी पतंग उड़ जाती है, जब हम पतंग काटते हैं तो हमें अच्छा लगता है, जब हमारी पतंग कट जाती है और हमसे एक पतंग नहीं बचती तो हमें नहीं अच्छी लगती। वेरी गुड। और वेरी गुड। मैम, जब हम कहीं जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और जब हमें कोई मना कर देता है कि नहीं जाना इस काम के लिए तो हमें बुरा लगता है। वेरी गुड। पार्टी में जाते हैं हमें अच्छा लगता है, और जब हमारे स्कूल खुले होते हैं हमें गाँव जाने का मन करता है, जब कोई लेके जाना तब असहज लगता है। जब हम बाइक चला रहे होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, जब हमें कोई बाइक चलाने से मना करता है ना तो हमें बहुत बेकार लगता है। मैम, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और जब हम किसी की मदद ढंग से नहीं कर पाते हैं तो हमें सही नहीं। वेरी गुड। मैम, जब हमारे में जब हम पे पैसे होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, जब हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। जब मेरे पापा मुझे मारते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, और जब मेरे पापा को मेरे लिए कोई अच्छा गिफ्ट लाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। वेरी गुड। इसी तरह आपको इस टेबल में और भी नीचे लिखनी है जो आपको सहज लगती है और जो आपको असहज लगती है। ये सभी बच्चे अपनी हैप्पीनेस डायरी में लिखेंगे, ठीक है।